लोटस प्रेगनेंसी केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे डिलीवरी के बाद हो रहा है कूल्हों में दर्द, तो इसे मैनेज करने के मैं तरीके आपको बता रहा हूं कि दर्द को कैसे मैनेज करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा, वीडियो चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। माँ बनना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी का एहसास है। एक महिला माँ बनने के लिए सब कुछ करती है जिसकी कल्पना भी दुनिया नहीं कर सकती है। माँ बनने के सफर में प्रेगनेंसी, डिलीवरी और डिलीवरी के बाद महिलाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को होने वाली परेशानियों में से एक है कूल्हे का दर्द। ये दर्द अक्सर महिलाओं को डिलीवरी के बाद होता है। ज्यादातर महिलाएं इस दर्द से निजात पाने के लिए पेन किलर, स्प्रे और बाम का सहारा लेती हैं। लेकिन पेन किलर कुछ ही वक्त तक अपना असर दिखाता है। डिलीवरी के बाद महिलाओं को कूल्हों में दर्द क्यों होता है और इससे निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए? गर्भवती महिलाओं द्वारा कूल्हे में दर्द की समस्या बहुत ही आम बात है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को पीठ के निचले हिस्से, पीठ, हाथ और कलाई में भी दर्द का एहसास हो सकता है। गर्भावस्था जैसे जैसे आगे बढ़ती है कूल्हे और पीठ में होने वाला दर्द बढ़ता चला जाता है। गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में महिलाओं को सबसे ज्यादा दर्द का अनुभव होता है। दुर्भाग्य से गर्भावस्था के दौरान होने वाला कूल्हे की दर्द की डिलीवरी के बाद भी बना रह सकता है। डिलीवरी के बाद महिलाओं को कूल्हे में दर्द होने के नीचे बताए गए कारण मैं आपको जो आपको बता रहा हूं वो कारण हो सकते हैं। शारीरिक मुद्रा में बदलाव, हार्मोन में बदलाव, प्रसव व प्रसव के दौरान तनाव का अनुभव, गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ना, जोड़ों में अस्थिरता, मांसपेशियों में कमजोरी, जो मैंने लक्षण आपको बताए हैं, इसके अलावा कैल्शियम, विटामिन डी या B12 की कमी के कारण भी डिलीवरी के बाद कूल्हे में दर्द की समस्या हो सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।